करोड़ों मजदूरों के पैरों की खाल उतर गई। मोदी जी ने कहा था कि हम सड़क पर हवाई चप्पल पहनने वाले को जहाज में बिठाएंगे, इस नालायक ने हमारे देश के करोड़ों मजदूरों के पैर की खाल निकाल दी। तो हमें रोना आता है जब हमने मजदूरों के पैरों से पश्च टपकते हुए देखा इस नालायक देशद्रोही को, वो भी नजर नहीं आया। नरेंद्र मोदी से पूछिए, नरेंद्र मोदी जसोदा बेन जो शिक्षिका रिटायर हुई है, उनका दोष पब्लिक के बीच में रखे, ये नालायकी की बात है, झूठ बोलने की बात है। ये जो सवाल आप कर रहे हो, दबा कुचला महसूस किया जा रहा है? महसूस नहीं, दबाया जा रहा है। आपने ये देखा है कि ये जो यहूदियों का परिवार है, आरएसएस का, मोहन भागवत और उनका जो कुनमा है, इनके एक नेता थे, उनका नाम था गोलवर्कर। गोलवर्कर ने एक बात कही कि यदि आपको भारत को गुलाम बना करके रखना और लंबे समय तक भारत पर शासन करना है तो उसके लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक, भारत में आप अपने गुलामों की संख्या बढ़ाओ, और दो, भारत के लोगों की रोजी रोटी और आजीविका को इस स्तर पर पहुंचा दो जहां लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएं। तो यदि पूरा देश भिखारी की तर्ज पर हो जाएगा तो आपका शासन बहुत लंबा चलेगा, इसकी परिणति आपके सामने है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे देश के अंदर जब कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को उजागर हुआ था, उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा था कि दुनिया में कोरोना आपातकाल घोषित कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उधर ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान था दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, हमें कहूंगा कि जो उनका वनवास था उसकी वापसी को लेकर के, उनका ध्यान था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत कराने को लेकर के, और उनका बड़ा ध्यान था क्योंकि दिसंबर में सुगबुगाहट हो चुकी थी, दिसंबर में लगभग 18-22 MLA कांग्रेस के बगावती मूड में एक अपना अलग से गुट बना चुके थे, उनके माध्यम से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराकर भाजपा सरकार को बनाने के लिए। तो मैं एक बात कहूं कि निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए मोदी सरकार ने देश के साथ की गद्दारी और देश को कोरोना की चपेट में धकेला। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 24 तारीख की देर रात को जिस दिन लॉकडाउन किया था, उस दिन हमारे देश के अंदर बमुश्किल 500 मामले ही कोरोना के थे। और आप जान करके देव हैरान होंगे, मैं खास करके मेरे बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और हमारे देश और दुनिया में गांधी जी की जो कर्मस्थली रही है, और वह गुरु नानक की भी कर्मस्थली रही है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि 25 मार्च को हमारे देश के मजदूरों में किसी को कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि कोरोना जहाज से आया था और सरकार ने फैलाया, और ना 25 मार्च को हमारे देश की रेलवे को कोरोना हुआ था, ना रेल चलाने वालों को कोरोना हुआ था, ना बसों को कोरोना हुआ था, ना बस चलाने वालों को कोरोना हुआ था। असल में उस दिन कोरोना हुआ था हमारे देश की नरेंद्र मोदी की मानसिकता को, नरेंद्र मोदी के विवेक और बुद्धि को और वाणी को। नरेंद्र मोदी बहुत विचित्र व्यक्ति हैं, हर काम रात को करते हैं देव, और आप सब लोग भी सुनिए, बिहार के लोग, दो धरती पर जीव हैं जो रात को काम करते हैं, एक धरती पर उल्लू है जो रात को ही काम करता है, और दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो रात को ताली बजाते हैं, हमारे देश के 500 और 1000 के नोटों को कागज बना देते हैं। नरेंद्र मोदी जी रात को ताली बजाते हैं और हमारे देश में दशकों से चली आ रही जो टैक्स पद्धति है उसे बदल डालते हैं, और इससे आप सब लोगों ने देखा कि नोटबंदी और टैक्स पद्धति बदलने से हमारा देश बर्बाद हुआ। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, देर रात को नरेंद्र मोदी ने 8 बजे टीवी में बैठ के गाल बजाए, और 3.5 घंटे बाद 12 बजे से रेल बस सब सेवाएं बंद कर दी। इसकी परिणति क्या हुआ, बिहार का जो चुनाव है, मैं बिहार के नागरिकों से एक आग्रह करना चाहता हूं, आप सब लोगों से, ये बहुत बड़ा वक्त है, आप सबको देखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा लॉकडाउन के बीच में, कहा कि देखिए सड़कों पर
जंगली जानवर टहलते हुए दिखे, बड़ा अच्छा लग रहा था। पक्षियों की चहचपहल हो रही थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और सुदूर पहाड़ियां भी नजर आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बिहार के मतदाताओं से कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, आग्रह इस बात का करता हूँ कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा 24 तारीख की देर रात को, तो गुजरात के 1800 लोग उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून में फंसे हुए थे। और उत्तराखंड में भी मोदी सरकार की पार्टी की सरकार है, वहां से 28 बसों में बिठाकर गुजरातियों को इज्जत के साथ में गुजरात पहुंचाया गया। और आप सब बिहार के नागरिकों ने देखा, पूरे भारत के गैर गुजरातियों के शरीर पर पुलिस से पिटवा पिटवा कर उनकी खाल उतारी गई। पुलिस की खाल उतरते हुए मजदूरों की खाल जो शरीर से उतरी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिख रही थी। आप सब ने देखा, 742 से ज्यादा हमारे मजदूर सड़क पर पैदल चलते चलते भूख से मर गए, प्रधानमंत्री को उनमें से एक नजर नहीं आया। चलते चलते सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर गाड़ियों से रौंदे गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनके शव नहीं दिखे। हमारे देश के अंदर चलते चलते सड़कों पर जब गाड़ियां टकराई, उसमें जो लोग जान गंवा चुके वो नहीं दिखे हैं, और जो गाड़ियों के पलटने से दबकर मरे वो भी नहीं दिखे, और जो रेल पटरी पर चलते चलते रेल से कट कर मरे वो मजदूर भी नहीं दिखे। तो ना तो हमारे देश की सड़कों पर भूख से मरते हुए मजदूर और मासूम बच्चे मोदी जी को दिखे, और न सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए गर्भवती महिलाएं जो खुले आसमान के नीचे बच्चे जन्म रही थी, वो भी नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखे। देश के प्रधानमंत्री को दिखा पक्षियों की संख्या, देश के प्रधानमंत्री को दिखा जंगली जानवरों की संख्या बढ़ गई, और देश के प्रधानमंत्री को दिखा कि सुदूर पहाड़ी नजर आती है, वो पहाड़ी भी नहीं है। जिसको पहाड़ी कहते हैं वो हमारे देश का मुकुट है हिमालय, हिमालय का जिक्र था। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ आपसे कि यही नहीं, 25 तारीख से बस और रेल सेवा बंद करने से पहले मजदूरों की पहले रोजी रोटी छीनी गई है, फिर घर आने जाने के साधन छीने गए। संघ परिवार की मोदी सरकार की चाल ये थी कि ये लाखों लाख जो प्रवासी बिहार के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, ये वहाँ भूख से मर जाए, क्योंकि आने जाने के साधन इनके रहेंगे नहीं और खाना पानी उनको दिया नहीं गया। और मजदूरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार को सबक सिखाने का वक्त आपके सामने है। करोड़ों मजदूरों के पैरों की खाल उतर गई। मोदी जी ने कहा था कि हम सड़क पर हवाई चप्पल पहनने वाले को जहाज में बिठाएंगे, इस नालायक ने हमारे देश के करोड़ों मजदूरों के पैर की खाल निकाल दी, हवाई चप्पल पहनने लायक उनके पैर नहीं रहे। मैं और मेरे जैसे कई दोस्त, हमें रोना आता है जब हमने मजदूरों के पैरों से पश टपकते हुए देखा इस नालायक देशद्रोही को, वो भी नजर नहीं आया। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप बताइए कि हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का किसान न तो जहाज पर विदेश गया, ना जहाज पर जाकर किस रोग को लाया। इस रोग को लाने का काम भी मोदी सरकार ने किया, इसका रोग को फैलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। और कोरोना रोग की आड़ में हमारे देश के करोड़ों मजदूरों को भूखा मरवाने का काम, पैदल चलवाने का काम, उनके पैरों की खाल निकलवाने का काम, उनके मासूम बच्चों को भूख से मरवाने का काम, खुले आसमान के नीचे खुले में उनकी गर्भवती महिलाओं को बच्चे जन्ने का विवश करने का काम, हर गाड़ियों के नीचे दब के मरने का काम और रेल से कटवाने का काम इसी नालायक मोदी सरकार ने किया है। ये सबक आपको सिखाना पड़ेगा। पूरी देश में जिस तरह से बिहार में जो चुनाव है, आज पूरा बिगुल फूक चुका है जी। आज शाम 4 बजे अमित शाह जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के जनता को संबोधन करेंगे जी। उसके विषय में क्या आपका ख्याल है? मैं उसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने 4-5 काम गिनती कराए हैं। मोदी जी ने कहा कि हमने देखो मंदिर बनवाने का काम किया। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने मंदिर का काम नहीं किया, मंदिर का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और पूरे कोरोना के समय जब देश महामारी में था, तो सारे खुदा, रब, गॉड, भगवान, चर्चों पर, गुरुद्वारों पर आपने देखा ताले में बंद कर दिया गया, नहीं तो कोरोना से मर सकते थे। एक बात, कोरोना से
मैं बात यह कहना चाह रहा हूँ कि मंदिरों के बनने से देश में हमारे देश के मजदूरों के साथ न्याय नहीं हो सकता है, देश के किसानों को साथ न्याय नहीं हो सकता। और दूसरी बात मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा हमने धारा 370 हटा दी, धारा 370 हटाने से भी हमारे देश के मजदूरों का जो चौदह करोड़ मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली गई, दर्जनों मजदूर महिलाएं खुले आसमान में के नीचे बच्चों को जन्म दी, यही नहीं जब रेल भी चलाई गई तब मोदी सरकार ने रेल को जानबूझ करके जो बिहार आनी थी उसको दूसरे राज्य में भिजवा दिया, 6-6, 7-7 दिन रेलों का सफर करवाया और रेल में भी लोगों को खाना और पानी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार की नियत, संघ परिवार की नियत साफ है, मजदूरों को भूख से मरवाना। और आपने देखा होगा इसी बीच में मजदूरों के अधिकारों के कानूनों को भी छीना गया है। तो मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं, यह तीसरी बात कही है नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा हमने महिलाओं पर अत्याचार होता था 3 तलाक का वो कानून खत्म कर दिया। मैं बिहार के मतदाताओं से, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, उस राज्य के लोगों के सामने मैं आग्रह करना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, यदि नरेंद्र मोदी महिलाओं को न्याय देने के ईमानदारी से पहल करते हैं तो जसोदा बेन मोदी का अपराध बताएं, उस महिला का दोष क्या था, यदि वो निर्दोष है तो उसको न्याय क्यों नहीं मिलता है, मोदी उनको क्यों नहीं जगह दे रहे अपने साथ, और यदि वो दोषी है तो नरेंद्र मोदी से पूछिए, नरेंद्र मोदी जसोदा बेन जो शिक्षिका रिटायर हुई है उनका दोष पब्लिक के बीच में रखे, ये नालायकी की बात है, झूठ बोलने की बात है। और चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में हमारे देश की करुणा है और करुणा को लेकर के हम ये बात कहना चाह रहे हैं, क्या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरे देश के 14 करोड़ मजदूर जो पैदल चलते चलते जिनके पैरों की खाल निकल गई, वो खाल किसी पाकिस्तानी सरकार ने नहीं, अफगानिस्तान की सरकार ने नहीं, बांग्लादेश की सरकार ने नहीं निकलवाई। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, खुले आसमान के नीचे सैकड़ों किलोमीटर चलकर जिन गर्भवती महिलाओं को खुले आसमान के नीचे बच्चे जन्मने के लिए विवश होना पड़ा, वो किसी पाकिस्तानी, किसी बांग्लादेशी, किसी अफगानिस्तानी ने दंड नहीं दिया था, वो इसी मोदी सरकार ने दिया था। आपने देखा होगा 742 से ज़्यादा जिनकी जानें चली गई, मासूम बच्चे तड़प रहे थे, उनको दंड देने वाले भी मोदी सरकार है, ये बात भी आपको भूलनी चाहिए।